विश्वास है कि जो पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उस विश्वास को पूरा करते हुए ये सीट जो है मोदी जी की झोली में डालेंगे और हम तीसरी बार उनको फिर से हम प्रधानमंत्री बनाने की के हर व्यक्ति ने चंडीगढ़ की सेवा करने का प्रयास किया है और मुझे मेरी पार्टी ने मौका दिया है, मैं उस सेवा को और आगे बढ़ाऊंगा। सब्र तो करना ही पड़ता है किसी भी काम के लिए। हमारे साथ संजय टंडन है, चंडीगढ़ से टिकट मिल चुकी है और उनकी पत्नी हार पहनाकर स्वागत कर रही है। टंडन जी, एक सवाल सबसे पहले, और ये देखिए उनकी जो पोती है वो भी आज उनको बहुत खुश है, परिवार में खुशी का माहौल है, लड्डू खिलाए जा रहे हैं उनको, और बहुत ही भावुक क्षण है क्योंकि चंडीगढ़ से संजय टंडन को टिकट मिला, 10 साल प्रेसिडेंट रहे, पार्टी ने संविधान में संशोधन करके प्रेसिडेंट बनाया था। टंडन जी, आज का दिन बहुत बड़ा आपके लिए पर्सनली, आप पहले थे जिनके संविधान पार्टी ने किया आपको कॉन्टिनेंट टिकट आपको मिली है, लोकल का मुद्दा संजय टंडन के नाम। देखिए, जितने भी लोगों ने चंडीगढ़ के लिए अभी तक कार्य किया है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति ने एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर के ऊपर ही काम किया है। लोगों की परसेप्शन किसी व्यक्ति के बारे में अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति ने चंडीगढ़ की सेवा करने का प्रयास किया है और मुझे मेरी पार्टी ने मौका दिया है, मैं उस सेवा को और आगे बढ़ाऊंगा। आपने सब्र बहुत रखा, जैसे मैंने पहले कहा, हर जब भी टिकट मिली आपने सब्र नहीं खोया। देखो जी, सब्र तो करना ही पड़ता है किसी भी काम के लिए, सब्र के बिना तो आप चल ही नहीं सकते, और पॉलिटिक्स के अंदर तो वैसे भी पेशेंस जो है पॉलिटिक्स का एक दूसरा नाम है। इस बार कितनी उम्मीद थी आपको? देखिए, उम्मीद तो हर बार थी, अब ये वही बात है कि पार्टी को जब ठीक लगा पार्टी ने अपना निर्णय किया, और मेरे को उम्मीद ही नहीं, मुझे विश्वास है कि जो पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उस विश्वास को पूरा करते हुए ये सीट जो है मोदी जी की झोली में डालेंगे और हम तीसरी बार उनको फिर से हम प्रधानमंत्री बनाने की तरफ। सवाल, किरण खेर के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मुद्दा बनाता रहा कि यहां नहीं रहती, बाहर की हैं, लेकिन इस बार संजय टंडन के आने से क्या लगता है सारे सवाल खत्म हो गए? मुझे लगता है कि जो ये मुद्दे जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, ये थोड़ा सा इसमें क्रिएशन मीडिया की हो जाती है, लेकिन वो उन्होंने अपना काम उनकी तबीयत की प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उन्होंने शहर की पूरी सेवा करी है, और मेरे को भी उनका पूरा सहयोग मिलता रहा है और मैं उनका सहयोग लेकर इसको और आगे बढ़ा। पार्टी में गुटबाजी कैसे देखते हैं अब आपके साथ सभी? मेरे हिसाब से कोई गुटबाजी नहीं है, एक्सपेक्टेशन हर व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन होना किसी की भी हो सकती है, लेकिन अब उसके बाद पार्टी ने तो एक व्यक्ति को ही देना है, तो मेरे को लगता है सब मिलके इसमें काम करेंगे। तो ये थे संजय टंडन, कहा कि उम्मीद तो हर बार थी लेकिन इस बार पार्टी ने टिकट देकर नवाजा है। किरण खेर के कार्यकाल की बात की और पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं, और ये उम्मीद जताई है कि इस बार वो जो नारा है बीजेपी का 400 पार, चंडीगढ़ की सीट जो है क्योंकि लोकल कैंडिडेट हैं उनको मिली है, अब देखना होगा चंडीगढ़ की जनता क्या फैसला करती है।